सभी को नमस्कार। आज हम लोगों को जो टॉपिक पर बात करनी है वो है पॉलो फ्रेरे, है ना। सभी ने पॉलो फ्रेरे का नाम, बहुत पॉपुलर इनोवेटर थिंकर हुए हैं पॉलो फ्रेरे, और इनको समझने के लिए हमको बहुत सारी चीज़ें समझनी पड़ेंगी। मतलब बहुत सरल नहीं दिखा इन्होंने, इसको समझने के लिए हमको समझ समझ के चलना होगा, है ना। और ये हमारे बीएड के कोर्स में होते हैं अक्सर, जब वेस्टर्न थिंकर्स की हम लोग बात करते हैं, और बहुत सारे इन्होंने रेडिकल कॉन्सेप्ट्स दिए हैं, तो थोड़ा सा हम ध्यान से देखेंगे ये क्या चीज़ है। तो पॉलो फ्रेरे से शुरू करते हैं। क्या बोला है पॉलो फ्रेरे ने? पॉलो रेगुलस नेविस फ्रेरे, ये इनका पूरा नाम है, वॉज ए ब्राजीलियन एजुकेटर, मतलब ये ब्राजील के थे और एक शिक्षक हुए हैं। हुज रिवोल्यूशनरी, मतलब इन्होंने जो कहा वो एकदम आंदोलनकारी, उन्होंने विचार, क्रांतिकारी विचारधारा इन्होंने रखी। रिवोल्यूशनरी पेडेगोजिकल थ्योरी, मतलब चूंकि शिक्षक थे तो इन्होंने पेडेगोजी पे बताया, और रिवोल्यूशनरी थिंकर, रिवोल्यूशनरी आइडियाज हमारे सामने शेयर किए। इन्फ्लुएंस्ड, जिसने प्रभावित किया किसको? एजुकेशनल, शैक्षिक एंड सोशल, सामाजिक मूवमेंट्स, आंदोलनों को थ्रू आउट द वर्ल्ड। एंड हुज फिलोसॉफिकल राइटिंग्स, मतलब इसका क्या मतलब हुआ कि ये एक ब्राजीलियन शिक्षाविद हुए हैं और इन्होंने क्रांतिकारी हमें विचार दिए, क्रांतिकारी थ्योरी दी, जिसने पूरे जगत में सामाजिक और शैक्षिक आंदोलनों को प्रभावित किया। ये मैटर इंग्लिश में रहता है और हिंदी में मैं समझाती इसलिए हूं कि दोनों भाषा में जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको मदद मिल जाए, क्योंकि यहाँ इंग्लिश हिंदी का बहुत प्रॉब्लम रहता है ना। कुछ बच्चों को इंग्लिश में चाहिए, कुछ बच्चों को हिंदी में चाहिए, तो यही एक तरीका है जिससे दोनों लोगों की मदद हो सकती है। अच्छा, इन्फ्लुएंस्ड एजुकेशनली हो गया। हुज फिलोसॉफिकल राइटिंग्स, मतलब इन्होंने जो हमको दर्शन दिया लिख के, उसने किसको किसको प्रभावित किया? इन्फ्लुएंस्ड सिर्फ शिक्षा जगत को नहीं, एकेडमिक डिसिप्लिन्स में बहुत सारे, जैसे थियोलॉजी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स, पेडेगोजी एंड कल्चरल स्टडीज। सोच सकते हैं आप कि कितना विशद इन्होंने लिखा है, कि इतने सारे डिसिप्लिन्स को इनकी राइटिंग्स प्रभावित करती हैं या मतलब प्रभावित किया है। अच्छा, फिर फ्रेरेज रिवोल्यूशनरी पेडागॉजी स्टार्ट्स फ्रॉम ए डीप लव फॉर एंड ह्यूमिलिटी बिफोर पुअर एंड ऑप्रेस्ड पीपल। जब हम इनको देखेंगे, इन्होंने जो लिखा है, इनके दर्शन में जो एक कॉमन सूत्र हर जगह प्रवाहित है, उससे हमको ये पता चलता है एक 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 प्रेम था इनके मन में, किसके लिए? जो गरीब था, जो पीड़ित था, जो शोषित था, उसके लिए एक प्रेम था। एंड ए रेस्पेक्ट फॉर देयर कॉमन सेंस, और उनके कॉमन सेंस के लिए एक रेस्पेक्ट थी, विच कॉन्स्टिट्यूट्स अ नॉलेज नो लेस इंपॉर्टेंट देन द साइंटिफिक नॉलेज ऑफ द प्रोफेशनल। जिसने एक इस प्रकार के ज्ञान का गठन किया जो कि किसी भी साइंटिफिक नॉलेज के, किसी प्रोफेशनल की किसी साइंटिफिक नॉलेज से कम नहीं है। क्या वो ऑप्रेस्ड पीपल की कॉमन सेंस, विच कॉन्स्टिट्यूट्स अ नॉलेज नो लेस इंपॉर्टेंट देन द साइंटिफिक नॉलेज ऑफ द प्रोफेशनल। दिस ह्यूमिलिटी मेक्स पॉसिबल अ कंडीशन ऑफ रेसिप्रोकल ट्रस्ट एंड कम्युनिकेशन बिटवीन द एजुकेटर हु ऑल्सो लर्न्स फ्रॉम एंड द स्टूडेंट हु ऑल्सो टीचेस। समझ रहे हैं कि जो पुअर और ऑप्रेस्ड पीपल के कॉमन सेंस के लिए जब इन्होंने बात की, तो इन्होंने सोचा, इन्होंने ये बताया कि जो टीचर है वो भी सीखता है और जो विद्यार्थी है वो भी सिखाता है। यानी कि यहाँ पे कोई पावर डोमिनेशन नहीं होना चाहिए, बल्कि रेसिप्रोकल ट्रस्ट होना चाहिए ना। दोनों लोग एक दूसरे पर विश्वास करें, दोनों लोगों का, दोनों लोगों से, या मतलब एजुकेटर और टीचर, एजुकेटर एंड स्टूडेंट से है, दोनों पक्षों का आपस में संवाद हो, दोनों पक्षों का आपस में विश्वास हो, है ना। दस एजुकेशन बिकम्स ए कम्युनियन, इसलिए इन्होंने शिक्षा को कहा कि ये कम्युनियन है, जोड़ने का काम करता है। किसको? बिटवीन पार्टिसिपेंट्स इन अ डायलॉग। देखिए जितने शब्द इस्तेमाल हो रहे हैं ये सब इन्होंने खास है, जैसे डायलॉग, अभी आपको बताया जाएगा कि डायलॉग क्या है, रिफ्लेक्सिव, रेसिप्रोकल, ये सब बहुत खास इनके शब्द हैं। दस एजुकेशन बिकम्स ए कम्युनियन बिटवीन पार्टिसिपेंट्स इन अ डायलॉग। डायलॉग का मतलब है कि दो लोगों की बातचीत होगी जिसके की मुख्य कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे? रिफ्लेक्सिव, यहाँ पे आप सोचेंगे, रेसिप्रोकल, उत्क्रमणीय, दोनों तरफ से चलेगा, एंड सोशली रेलिवेंट, और सामाजिक रूप से क्या होगा? रेलिवेंट होगा। एक्सचेंज, आदान प्रदान, रादर देन द यूनिलेटरल एक्शन ऑफ वन इंडिविजुअल एजेंट फॉर द बेनिफिट ऑफ द अदर। मतलब उन्होंने कहा कि शिक्षा इस प्रकार की नहीं होगी कि सिर्फ एक एजेंट है वो बोलेगा और दूसरा पैसिव लर्नर की तरह से शांत रहेगा, बल्कि दोनों में एक डायलॉग होना चाहिए जो कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर जिसके रिफ्लेक्सिव हो, रेसिप्रोकल हो और सोशली रेलिवेंट एक्सचेंज हो। ठीक है,
इसीलिए थोड़ा धीरे चल रहे हैं कि इसको समझने के लिए आप सरसरी तौर पर नहीं पढ़ सकते हैं। फिर कंसेप्चुअल टूल्स, देखिए पॉलो फ्रेरे को कई तरीके से पूछ सकते हैं आपसे, और चूंकि एक एक इनका कंसेप्ट ऐसा है जिस पर एक एक वीडियो बन सकता है, लेकिन पहले मैंने सोचा कि एक बार सारा कुछ कंपाइलेशन हो जाए फिर आप उसको समझ जाएंगे तो आप खुद भी पढ़ लेंगे। तो जैसे बैंकिंग एजुकेशन है ना, प्रॉब्लम पोजिंग एजुकेशन, कंसेंटाइजेशन, इंटरनलाइजेशन, प्रैक्टिस ऑफ फ्रीडम, पेडागॉजी ऑफ द ऑप्रेस्ड, क्रिटिकल पेडागॉजी, क्रिटिकल थिंकिंग, बहुत बहुत एक एक कंसेप्ट इनका जो है वो आप अपने आप में एक पुस्तक के समान है ना, और उस पर बहुत सारा चिंतन की जरूरत है। तो आप इसे समझिए, समझ जाएंगे आप तो आप अपने मन से भी लिख सकते हैं, आपको रटने की जरूरत नहीं रहेगी। फिर बैंकिंग एजुकेशन एक कंसेप्ट है इनका। हाँ, तो मैं ये कहना चाह रही थी कि हो सकता है कि एक एक कंसेप्ट पे शॉर्ट नोट्स भी पूछ लिया जाए, या हो सकता है आपसे लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाए कि पॉलो फ्रेरे की एजुकेशनल फिलोसफी से आप क्या समझते हैं, उनका शिक्षा दर्शन क्या था, तब भी आपको ये सारे कंसेप्ट सीखने होंगे। एक एक कंसेप्ट पे शॉर्ट नोट्स या अलग से पूछा जाएगा तो आपको वो कंसेप्ट अलग से बताना होगा, है ना। तो सबसे पहले बैंकिंग एजुकेशन क्या है, बैंकिंग एजुकेशन का कंसेप्ट, फ्रेरे क्रिटिसाइज्ड प्रिवेलिंग फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन, यानी कि जो उनके समय का शिक्षा व्यवस्था प्रणाली चल रही थी उसको उन्होंने क्रिटिसाइज किया। क्यों क्रिटिसाइज किया? As reducing students to the status of passive objects. क्यों? क्योंकि वो शिक्षा प्रणाली उसने बालकों को, विद्यार्थियों को सिर्फ घटा के, मतलब उसकी इंपॉर्टेंस को कम करके क्या कर दिया था, उसका स्टेटस सिर्फ एक पैसिव ऑब्जेक्ट की तरह, ह्यूमन बीइंग भी नहीं, ऑब्जेक्ट टू बी एक्टेड अपॉन बाई द टीचर, जिसके ऊपर टीचर अपना एक्शन करता था। इन दिस ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ एजुकेशन, ये जो शिक्षा का प्राचीन रूप था, इट इज द जॉब ऑफ द टीचर टू डिपॉजिट इन द माइंड्स ऑफ द स्टूडेंट्स। इन्होंने क्यों बैंकिंग एजुकेशन का कंसेप्ट है, बैंक में क्या करते हैं, पैसा डिपॉजिट करते हैं ना, तो इन्होंने कहा कि स्टूडेंट जो है वो पैसिव ऑब्जेक्ट्स हैं और टीचर क्या करता है उनके माइंड में डिपॉजिट करता है क्या, जो भी वो इंफॉर्मेशन डिपॉजिट करना चाह रहा है। It is the job of the teacher to deposit in the minds of the students, considered to be empty in an absolute ignorance, the bits of information that constitute knowledge. मतलब ये माना गया है कि वो जो उसका माइंड है वो एम्प्टी है, खाली है, उसमें कुछ भी नहीं है, वो बिल्कुल एब्सोल्यूट इग्नोरेंस है उसके पास, मतलब वो एकदम अज्ञानता से भरा हुआ है, और हम बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन डाल देंगे उसमें, डिपॉजिट करते जाएंगे, जो कि उसकी नॉलेज का फॉर्मेशन करेगा। इसी कंसेप्ट को इन्होंने बैंकिंग एजुकेशन का नाम दिया, फ्रेरे कॉल्ड दिस बैंकिंग एजुकेशन। द गोल ऑफ बैंकिंग एजुकेशन इज, इसका लक्ष्य क्या है बैंकिंग एजुकेशन का, टू इमोबिलाइज द पीपल। देखिए एक एक शब्द का आप गहराई देखिए, इमोबिलाइज द पीपल, मोबिलिटी का मतलब हम चल रहे हैं, गतिशील है, और चलने का मतलब सिर्फ चलना नहीं बल्कि हमारा मस्तिष्क गतिशील है, लेकिन जो बैंकिंग एजुकेशन है वो पीपल को, लोगों को क्या कर रहा है, इमोबिलाइज कर दे रहा है, शिथिल कर दे रहा है, विद इन एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क्स ऑफ पावर, यानी कि जो शक्ति का ये सब गठन बना हुआ है, कौन ऊपर है, कौन नीचे है, कौन बड़ा है, कौन छोटा है, उसमें हमको एकदम शिथिल कर दिया जा रहा है, बाय कंडीशनिंग, कंडीशनड हो गए किसके लिए, देम टू एक्सेप्ट दैट मीनिंग एंड हिस्टोरिकल एजेंसी आर द सोल प्रॉपर्टी ऑफ द ऑप्रेसर। देखिए दो चीज है ना, ऑप्रेसर और ऑप्रेस्ड, ऑप्रेसर जो दबा रहा है और ऑप्रेस्ड जो दबाया जा रहा है। तो ये कह रहे हैं कि ये सब एकदम बैंकिंग एजुकेशन ऐसा है कि हमको इमोबिलाइज कर दिया है, और ये मानने के लिए हम कंडीशनड हो गए हैं कि जो ऑप्रेसर है वही सोल प्रॉपर्टी है और जो कर रहा है वो सब ठीक है। फिर educators within the dominant culture and class fractions often characterize the oppressed as marginal, pathological and helpless. यानी कि जो डोमिनेंट कल्चर में जो शिक्षा और ये सब चल रहा है उसमें ये क्लास बन गया है जिसमें कि ऑप्रेस्ड को, यानी कि जो पैसिव ऑब्जेक्ट के रूप में स्टूडेंट है उसको हमने क्या बना दिया है, मार्जिनल, एकदम कहीं किनारे पर, कहीं कोई दलित, पीड़ित, शोषित, पैथोलॉजिकल मतलब वो बीमार है, एंड हेल्पलेस मतलब वो असहाय। फिर इन द बैंकिंग मॉडल नॉलेज इज टेकन टू बी अ गिफ्ट दैट इज बी स्टोर्ड अपॉन द स्टूडेंट बाय द टीचर। मतलब इसमें ये शो किया जा रहा है कि टीचर जो है वो गिफ्ट के रूप में आपको नॉलेज दे दे रहा है, आपके पास कुछ भी नहीं है और सिर्फ वो है जो दे सकता है और आपको लेना ही लेना है। इस तरीके की बातें, बहुत बड़ा है बैंकिंग एजुकेशन का कंसेप्ट, पर आप उसकी सिर्फ थीम जान लीजिए कि मोनोलॉग है, स्टूडेंट को कुछ नहीं बोलना है, स्टूडेंट कैसे बिहेव कर रहा है, पैसिव ऑब्जेक्ट की तरह से बिहेव कराया जा रहा है उससे, है ना, उसको एकदम इमोबिलाइज कर दिया गया, उसकी थिंकिंग को एकदम ऑप्रेस्ड कर दिया गया, उसको कंडीशन कर दिया गया है कि जो टीचर देगा वो उसको ले लेना है, और टीचर ऐसा पोज करता है कि स्टूडेंट जो है वो कैसा है, मार्जिनल है, पैथोलॉजिकल और हेल्पलेस। ठीक, तो इसके
मतलब सॉल्यूशन में इन्होंने बताया कि प्रॉब्लम पोजिंग मेथड हो सकता है इसको। कहीं कहीं आपको प्रॉब्लम पोजिंग एजुकेशन भी मिलेगा जिसको पीपीई कहते हैं, है ना। आजकल तो कोरोना काल में पीपीई किट फेमस हो गई, लेकिन ये पीपीई पॉलो फ्रेरे की है, प्रॉब्लम पोजिंग एजुकेशन या प्रॉब्लम पोजिंग मेथड। तो ये कह रहे हैं अगेंस्ट द बैंकिंग मॉडल, यानी कि जो बैंकिंग मॉडल का एजुकेशन चल रहा था उसके विरुद्ध इन्होंने प्रपोज किया एक डायलॉजिकल, मतलब दोनों तरफ से बातचीत होगी, प्रॉब्लम पोजिंग मेथड ऑफ एजुकेशन, है ना। फिर क्या हुआ इसमें, इन दिस मॉडल द टीचर एंड स्टूडेंट बिकम को इन्वेस्टिगेटर्स ऑफ नॉलेज एंड ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि ये जो मॉडल होगा उसमें शिक्षक और विद्यार्थी संसार के और ज्ञान के को इन्वेस्टिगेटर बनेंगे, मतलब साथ साथ ढूंढेंगे। इंस्टेड ऑफ सजेस्टिंग टू स्टूडेंट्स दैट देयर सिचुएशन इन सोसाइटी हैज बीन ट्रांसेंडेंटली फिक्स्ड बाय नेचर और रीजन एज द बैंकिंग मॉडल डज, फ्रेरेज प्रॉब्लम सॉल्विंग एजुकेशन इनवाइट्स द ऑप्रेस्ड टू एक्सप्लोर देयर रियलिटी एज अ प्रॉब्लम टू बी ट्रांसफॉर्म्ड। समझ में आ रहा है कि बैंकिंग एजुकेशन में जो उन्होंने उसको एकदम बता दिया था कि नहीं तुम जड़ हो, तुम्हारे में कोई बुद्धि नहीं है, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, उसके ऑपोजिशन में प्रॉब्लम पोजिंग मेथड उनको इनवाइट करता है ऑप्रेस्ड को कि आओ अपनी रियलिटी को एक्सप्लोर करो, क्यों तुम्हारे संग ये सब हो रहा है, क्यों तुम इस यथार्थ या जो यथार्थ है वो ऐसा क्यों है, एज ए प्रॉब्लम टू बी ट्रांसफॉर्म, उसको एक समस्या मानो और उस पर रूपांतरण करने की कोशिश की जाए, सोचा जाए कि ये सब क्या चल रहा है। द कंटेंट ऑफ दिस एजुकेशन कैन नॉट बी डिटरमाइंड नेसेसरीली इन एडवांस। ये जरूरी नहीं है कि जो हम लोग कल पिछले बार करिकुलम की भी बात कर रहे थे तो उसमें था ना कि प्रॉब्लम पोजिंग भी हो सकता है स्टूडेंट सेंटर्ड और आपका सब्जेक्ट सेंटर्ड और प्रॉब्लम सेंटर्ड। तो जो प्रॉब्लम सेंटर्ड करिकुलम से कुछ कुछ मिलता जुलता ये है, तो ये कह रहे हैं कि हम इसका कंटेंट पहले से, जरूरी नहीं है कि हम पहले से ही सुनिश्चित कर लेंगे हमको ये पढ़ाना है थ्रू द एक्सपर्टीज ऑफ द एजुकेटर, बट मस्ट इंस्टेड अराइज फ्रॉम द लाइव एक्सपीरियंसेस और रियलिटी ऑफ द स्टूडेंट। बल्कि जब हम क्लासरूम में चल रहा है इस तरह से प्रॉब्लम पोजिंग मेथड, तो उनके जीवन के अनुभवों से, उनके यथार्थ से भी वो उसी वक्त निर्माण किया जा सकता है या बनता जाएगा जैसे जैसे प्रॉब्लम आएंगी। It is not the task of the educator to provide the answer to the problems that these situations present. ये हमारा काम नहीं है, शिक्षक का काम नहीं है कि वो बताएगा कि इस प्रॉब्लम का ये सोल्यूशन है, ये आंसर है, बट टू हेल्प स्टूडेंट्स। बट जैसे कि हम कहते हैं ना कि टीचर का रोल चेंज हो गया है या चेंज हो जाना चाहिए इंस्ट्रक्टर से फैसिलिटेटर में, उसी तरह से कह रहे हैं बट टू हेल्प स्टूडेंट्स, जबकि वो बल्कि उसका काम होना चाहिए वो स्टूडेंट की मदद करे किसमें, टू अचीव अ फॉर्म ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, ताकि वो एक चिंतन कर सके, एक कंसेंटाइजेशन, ताकि उसका कंसाइंस में कुछ डेवलपमेंट हो, कुछ अवेकनिंग आए, दैट विल मेक पॉसिबल एन अवेयरनेस ऑफ सोसाइटी एज म्यूटेबल एंड पोटेंशियली ओपन टू ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब उनको ये ना लगे कि जो चीज है वो जड़ है और उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता है, बल्कि वो अपने चिंतन से, अपने विचारों से उसमें ये माने कि हाँ चेंज इज पॉसिबल और उसके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए काम करें। अब किसके लिए, जो उनकी रियालिटी है, जो उनकी सिचुएशन उनको बता दी गई है उसके अगेंस्ट। Once they are able to see the world as a transformable situation rather than an unthinkable and inescapable status, it becomes possible for students to imagine a new and different reality. ना? मतलब कह रहे हैं ना कि अगर जब वो संसार को इस तरह से सोचने लगेंगे कि नहीं ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि हम यहाँ से जा नहीं सकते, जो हमारी सिचुएशन है वो जीवन भर के लिए हम नियत हो गए हैं इस दशा में, तो वो काम करेंगे एक नई रियालिटी के लिए, है ना। कितनी बड़ी बात है, सारी बातें बहुत एकदम आपको आंदोलित कर देने वाली है। फिर कल्चर सर्किल की बात करें, कल्चर सर्किल क्या है, द कॉन्क्रीट बेसिस फॉर फ्रेरेज डायलॉजिकल सिस्टम ऑफ एजुकेशन इज द कल्चर सर्किल। मतलब एक मूर्त आधार जो उन्होंने लिया उसको उन्होंने कल्चर सर्किल का नाम दिया। क्या बोल रहे हैं कल्चर सर्किल में, इन विच स्टूडेंट्स एंड कोऑर्डिनेटर टुगेदर डिस्कस, सॉरी एक सेकेंड, together discuss generative themes that have significance within the context of students' lives. वो कह रहे हैं कि जो कल्चर सर्किल है उसमें क्या करेंगे, स्टूडेंट और कोऑर्डिनेटर या उनका टीचर या एजुकेटर आपस में डिस्कस करेंगे कुछ थीम्स के बारे में जो कि स्टूडेंट की लाइफ के कंटेक्स्ट में इंपॉर्टेंट है। फिर क्या होगा, दीज थीम्स विच आर रिलेटेड टू नेचर कल्चर वर्क एंड रिलेशनशिप्स। तो ये थीम्स क्या होंगी, प्रकृति से, उसके समाज से, उसकी संस्कृति से, उसके कार्य से, उसके सहसंबंधों से रिलेट होगी, एंड
आर डिस्कवर्ड थ्रू द कोऑपरेटिव रिसर्च ऑफ एजुकेटर्स एंड स्टूडेंट्स, और खोजी जाएगी किसके द्वारा, दोनों के द्वारा रिसर्च करेंगे कौन, एजुकेटर और स्टूडेंट रिसर्च करके, कोऑपरेटिव रिसर्च करके इन थीम्स को डिस्कवर करेंगे. एज स्टूडेंट्स डिकोड दीज रिप्रेजेंटेशंस, जब स्टूडेंट इनको डिकोड करने की कोशिश करेगा, दे रिकॉग्नाइज देम एज सिचुएशंस इन विच दे देमसेल्व्स आर इन्वॉल्व विद सब्जेक्ट्स, तब स्टूडेंट्स को पता चलेगा कि वो इस सारे मतलब ये जो गठन है उसमें खुद वो एक सब्जेक्ट की तरह इन्वॉल्व है, है ना. तो दिस द प्रोसेस ऑफ क्रिटिकल कॉन्शियसनेस, एक एक शब्द देखिए, एक एक शब्द की आप ब्यूटीफुलनेस देखिए कितना ब्यूटीफुली कंस्ट्रक्टेड है. क्रिटिकल कॉन्शियसनेस, सिर्फ कॉन्शियसनेस की बात नहीं करें, कॉन्शियसनेस भी क्रिटिकल होनी चाहिए. फॉर्मेशन इज इनिशिएटेड, तब जब ये प्रक्रिया होगी तो स्टूडेंट के मन में क्रिटिकल कॉन्शियसनेस अराइज होगी. व्हेन स्टूडेंट्स लर्न टू रीड द कोडिफिकेशंस इन देयर सिचुएशनैलिटी, जब वो समझ पाएंगे स्टूडेंट कि उनकी जो सिचुएशन है उसके क्या क्या कोड है, क्या क्या मायने है, किसने कब गठित कर दिया ऐसा जिसके लिए वो बाध्य हो गए, rather than simply experiencing them, और उसको वो सिर्फ अनुभव नहीं करेंगे बल्कि उसको समझेंगे. And this makes possible the intervention by students in society. जब ऐसा होगा तब वो विद्यार्थी कुछ intervention कर पाएंगे समाज में बदलाव के लिए. For Freire, it is a mistake to speak of reading as solely the decoding of text. Freire कहते हैं कि हम अगर ये समझें कि पढ़ना जो है वो सिर्फ हम कोड टेक्स्ट को डीकोड कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है. Rather, reading क्या है, पढ़ना क्या है, इट इज ए प्रोसेस ऑफ एप्रीहेंडिंग, समझने की क्षमता है, समझने की प्रक्रिया है. किसको समझना, किसको है, पावर एंड कॉजैलिटी इन सोसाइटी, जो समाज में ये शक्ति का हायरार्की है, जो ये सब कॉज एंड प्रॉस वाले रिलेशनशिप है कि ऐसा क्यों है, इसका कारण क्या है, एंड वंस लोकेशन इन इट, और हम उसमें कहां फंसे हुए हैं, इसको समझने की प्रक्रिया पढ़ना है, सिर्फ टेक्स्ट को डिकोड करना नहीं. ठीक. फिर अवेयरनेस ऑफ द हिस्टोरिसिटी ऑफ सोशल लाइफ मेक्स इट पॉसिबल फॉर स्टूडेंट्स टू इमेजिन इट्स रिक्रिएशन. जब हम इस तरह से समझेंगे, जब हम इस तरह से चीज को पढ़ेंगे, इस तरह से साहित्य को पढ़ेंगे, तब हमको पता चलेगा कि जो सामाजिक जीवन है उसमें हम अपने आप को रिक्रिएट कैसे कर सकते हैं, कब ये क्रिएशन गड़बड़ हो गया. लिटरेसी इज दस, तो लिटरेसी सिर्फ डिकोडिंग टेक्स्ट नहीं है बल्कि क्या है, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोड्यूसिंग अ स्टांस ऑफ इंटरवेंशन. सोचिए कितनी बड़ी बात है, इसलिए जरूरी है पढ़ना लिखना. और पढ़ लिख कर हम लोग क्या आज हासिल कर पा रहे हैं, पढ़ा लिखा समाज किस दिशा में सोच रहा है, ये बताने की जरूरत नहीं है, ना. तो लिटरेसी से आप इतना कुछ कर सकते हैं अगर आपको पढ़ने की क्षमता है तो. चलिए फिर फिलोसफी ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के लिए क्या कहा इन्होंने, फ्रेरेज फिलोसफी ऑफ एजुकेशन इज नॉट अ सिंपल मेथड. हम लोग समझ ही सकेंगे फ्रेरे साहब ने सिंपल तो कोई बात कही ही नहीं है, बट रादर एन ऑर्गेनिक पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस. मतलब शिक्षा के बाद हमारे अंदर एक ऑर्गेनिक पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस आ जानी चाहिए. द डोमिनेशन ऑफ सम बाय अदर्स मस्ट बी ओवरकम. कुछ लोगों को जो कुछ लोग दबाते हैं इसको दूर होना चाहिए इन हिज व्यू, सो दैट द ह्यूमनाइजेशन ऑफ ऑल कैन टेक प्लेस, जिससे कि मानवीकरण हो सके, है ना. Authoritarian forms of education in serving to reinforce the oppressor's view of the world and their material privilege in it constitute an obstacle to the liberation of human beings. है ना, जो ये authoritarian, जो दबाने वाला शिक्षा का स्वरूप है, ये हमको मुक्ति में बाधा उत्पन्न करता है. फिर the means of this liberation is a praxis. Praxis का मतलब वो बाद में आगे बताएंगे, reflection और action, है ना. ये लिखा, ये देखिए, और प्रोसेस ऑफ एक्शन एंड रिफ्लेक्शन, यानी कि प्रैक्सिस का मतलब होता है कि हम एक्शन करें, फिर सोचें, फिर कार्य करें, फिर सोचें, फिर कार्य करें, फिर सोचें, मतलब ये प्रक्रिया चलती रहे. विच साइमल्टेनियसली नेम्स रियलिटी एंड एक्ट्स टू चेंज टू इट, जिसमें कि हम कुछ चेंज करने की कोशिश कर सकते हैं. फ्रेरे क्रिटिसाइज्ड views that emphasized either the objective or subjective aspect of social transformation and instead that revolutionary change takes place precisely through the consistency of a critical commitment in both word and deed, है ना. सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि कार्य में भी हमको critical commitment दिखना चाहिए. This dialectical unity is expressed in his formulation. ये जो इन्होंने dialectical unity की एकता की बात की, वो हमारे एक इनके एक वाक्य में दिखती है. क्या है, to speak a true word is to transform the world. संसार को बदलने के लिए ट्रू वर्ड की जरूरत है. अच्छा, फिलोसॉफिकल कॉन्ट्रीब्यूशंस देखिए, हम देखें कि इन्होंने क्या कॉन्ट्रीब्यूट किया. तो हमने देख लिया कि बैंकिंग मॉडल ऑफ एजुकेशन के वर्सेस इन्होंने क्या लाया है, क्रिटिकल पेडागॉजी. क्रिटिकल पेडागॉजी में क्या है कि हमको क्रिटिकल अवेयरनेस डेवलप करनी है, क्रिटिकल कंसेंटाइजेशन, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करनी है, किसमें, स्टूडेंट में, है ना. और
ये चीजें वही रिपीट हो रही हैं, रादर देन कंटिन्यूइंग विद एस्टैब्लिश्ड कल्चरल पैटर्न्स ऑफ रिलेटिंग टू पीपल थ्रू ए हायरार्की ऑफ पावर, फ्रेरेट स्टार्टिंग पॉइंट इन द क्लासरूम एम्स टू अंडरमाइन द पावर डायनेमिक्स दैट होल्ड सम पीपल अबव अदर्स, है ना। ये जो पावर डायनेमिक्स है, ये जो शक्ति का खेल चल रहा है, ये जो इसकी गतिकी है, इसको समझना है और छात्र में ये समझने की क्षमता हमको डेवलप करनी है। और क्या कह रहे हैं कि दैट अ डेमोक्रेटिक रिलेशनशिप बिटवीन द टीचर एंड हर स्टूडेंट्स इज नेसेसरी। हम एक डेमोक्रेटिक रिलेशनशिप होना चाहिए, ना कि ऑटोक्रेटिक। फिर फॉर फ्रेरेस क्रिटिकल पेडागॉजी और प्रॉब्लम पोजिंग एजुकेशन यूजेज ए डेमोक्रेटिक अप्रोच। फिर फ्रेरे इज वेरी क्रिटिकल ऑफ टीचर्स हु सी देमसेल्व्स एज द सोल प्रोसेसर्स ऑफ नॉलेज, है ना। उन लोगों के लिए उन्होंने बहुत भर्त्सना की जो मानते हैं कि वही शिक्षक हैं, सिर्फ उन्हीं के पास नॉलेज है, और जो स्टूडेंट है वो एम्प्टी रिसेप्टिकल है ना, जैसा कि बैंकिंग मॉडर्न मेथड में कहा गया। जबकि वो कहते हैं कि दोनों तरफ से आदान प्रदान होना चाहिए, शिक्षक को भी सीखना चाहिए और विद्यार्थी को भी सिखाना चाहिए। फिर वही चीजें, हाँ एक और खास बात ये देखिए, जो बैंकिंग मेथड है वो कैसे कहता है एजुकेशन को कैरेक्टराइज करता है वर्टिकल रिलेशनशिप में। वर्टिकल मतलब ऊर्ध्वाधर जा रहा है। टीचर देखिए, टीचर ऊपर है और स्टूडेंट नीचे है पावर पोजीशन में, और टीचर जो है स्टूडेंट को प्रोवाइड कर रहा है। जबकि यही इनका जब क्रिटिकल पेडागॉजी या बैंकिंग मॉडल आएगा, प्रॉब्लम पोजिंग मॉडल आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। देखिए हॉरिजॉन्टल टाइप ऑफ रिलेशन, टीचर भी स्टूडेंट को दे रहा है, स्टूडेंट भी टीचर को दे रहा है। ठीक है, इसको आप पढ़ सकते हैं। अच्छा फिर क्या है, अनदर नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस ऑफ द बैंकिंग मेथड इज दैट स्टूडेंट्स आर नॉट इनकरेज्ड एंड दैट डू नॉट लर्न हाउ टू थिंक क्रिटिकली। क्योंकि उसमें वो पैसिव ऑब्जेक्ट है, उनको सोचने समझने की क्षमता उनमें है ही नहीं, इसलिए क्रिटिकली थिंकिंग वो सोच ही नहीं सकते, और टू फील कॉन्फिडेंट अबाउट थिंकिंग फॉर देमसेल्व्स, और यहां तक कि वो अपने बारे में भी कॉन्फिडेंटली नहीं सोच पाते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन अ स्टूडेंट एंड अ टीचर हु यूजेस द बैंकिंग मेथड इज सिमिलर टू दैट ऑफ ए फार्मर हु ओबेज द ऑर्डर ऑफ हिज और बॉस। मतलब कह रहे हैं यहाँ पे शिक्षक और विद्यार्थी का संबंध ऐसा है कि एक है जो आज्ञा दे रहा है और दूसरे को आज्ञा माननी है। ठीक है, फिर इंटरनलाइजेशन में उन्होंने क्या कहा कि पॉलो फ्रेरे वर्क विद पीपल हु केम फ्रॉम ए कंटेक्स्ट ऑफ परवेसिव हिस्टोरिकल ऑपरेशन। दरअसल इन्होंने जिन लोगों के संग काम कर रहे थे, जिन लोगों को पढ़ा रहे थे, वो बहुत दबे शोषित समाज के थे, है ना। तो मोस्ट ऑफ इट स्टूडेंट्स केम फ्रॉम फैमिलीज हु हैड बीन प्रीवियसली इंस्लेव्ड, मतलब जो पहले दास थे, है ना। तो उन्होंने कहा कि वैसे तो दास प्रथा मुक्त हो गई है, लेकिन लोग अभी तक मुक्त नहीं हुए। देखिए इसमें बहुत अच्छा एक एग्जांपल दे रखा है कि उन्होंने अपने एक स्टूडेंट से पूछा कि ये बताओ कि एनिमल और ह्यूमन बींग्स में क्या अंतर है। तो उनके स्टूडेंट्स ने कहा कि एनिमल्स आर मोर फ्री। सोचिए दास्ता का की पैठ देखिए कितनी गहरी है। क्यों? क्योंकि उस बच्चे ने कहा, जिससे भी उन्होंने बात की, उसने कहा कि जो जानवर है कम से कम अपनी मर्जी से इधर उधर जा तो सकते हैं, हम वो भी नहीं कर सकते। तो आप समझ सकते हैं कि इंटरनलाइजेशन की ये जो बात कर रहे हैं, ये देखिए कह रहे हैं ना, फ्रेरे रिकॉग्नाइज दैट द ऑपरेशन ऑफ ए ह्यूमन बीइंग रन्स मच डीपर देन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस एंड लीगल गारंटीज। ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि आप किसी को वोट देने का अधिकार दे देंगे तो आप उसको दास्ता से मुक्त कर देंगे। पहले वो सोचे तो कि वो कर सकता है, वो कुछ सोच ही नहीं रहा है, वो सिर्फ एक ऑब्जेक्ट की तरह से बिहेव कर रहा है। तो सिर्फ राइट्स दे देने से ये नहीं होता है, बल्कि वो जो इंटरनलाइजेशन है, जो हमने इंटरनली समझ लिया है अपनी स्थिति के बारे में कि हाँ हम ऑप्रेस्ड हैं और हम ऑप्रेस्ड ही रहेंगे, वो सारी दिक्कत है। इसलिए इंटरनलाइजेशन यहाँ पे बहुत गहरा अर्थ रखता है। He discovered that while we may actively seek our freedom besides the institutional obstacles like colonization and dictatorships, there are also internal obstacles. हमको सिर्फ बाहर का आदमी नहीं रोकता है, हमारी अंतरात्मा भी हमको रोकती है ना कि हम ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, जो हमने एकदम समझ लिया हो सदियों से अपने लिए। तो ये कह रहे इंटरनल ऑब्स्टिकल्स हैं दैट प्रिवेंट अस फ्रॉम बीइंग फ्री, जो हमको मुक्त होने से रोकते हैं। इसलिए जो इनका कंसेप्ट है, द कंसेप्ट ऑफ इंटरनलाइजेशन ट्रीटेड इन दिस सेक्शन, इट्स साइकोलॉजिकली डीप एंड रिच इन मीनिंग। मैंने कहा ना इसका बहुत गहरा अर्थ है। फिर कंसेंटाइजेशन क्या है? As previously mentioned, Paulo Freire worked with people who had been socialized within institutions shaped by the operation of colonization, है ना? It bears repeating that although slavery was formally abolished in 1888, यही कह रहे हैं कि दास्ता खत्म हो गई 1888 में, लेकिन फ्रेरे के समय तक लोग अपने आप को दास ही समझ रहे हैं। फ्रेरे वर्क विद द सन्स डॉटर्स एंड ग्रैंड चिल्ड्रेन ऑफ फॉर्मर स्लेव्स एंड
former slaves and he noticed that the power dynamics of the institution of slavery continued to affect. वो देख रहे हैं कि दास प्रथा मुक्त हो गई लोग, लेकिन लोग मन से अभी दास ही हैं. तो इन्होंने कहा कि कंसेंटाइजेशन हो, चेतना को जगाना है. कैसे? इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग अवेयर. अवेयर करना है किससे? सोशल एंड पॉलिटिकल कंट्राडिक्शन से, है ना. एंड देन टू एक्ट अगेंस्ट द ऑप्रेसिव एलिमेंट्स ऑफ अवर सोशियो पॉलिटिकल कंडीशन. और फिर हमको जो हमारे पीड़ित करने वाले एलिमेंट्स हैं, जो हमारी सोशियो पॉलिटिकल कंडीशन में हैं, उनके अगेंस्ट हमको काम करना है. सोचिए कितनी बड़ी बातें ये व्यक्ति इतने साल पहले कर रहा है. सैल्यूट टू हिम. ओके, फिर है देयर आर सेवरल स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ कंसेंटाइजेशन, है ना. कंसेंटाइजेशन की जो प्रक्रिया है उसमें बहुत सारे चरण. इसको मैं बढ़ा इसलिए रही हूं कि बहुत लंबा टेक्स्ट हो रहा है ना, और एक एक मतलब समझाने के लिए बहुत कुछ है इसमें. बस आप समझ के चलिए कि एकदम हमको सरसरी तौर पे नहीं पड़ जाना है कि कंसेंटाइजेशन है, इंटरनलाइजेशन है, और आपका बैंकिंग एजुकेशन है, प्रॉब्लम पोजिंग. उसके पीछे की वजह देखिए क्यों ऐसे कहा जा रहा है, तब आप इसको समझ पाएंगे. बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो तो फिर इसका वो इंटरेस्ट हो जाता है ना. देयर आर सेवरल स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ कंसेंटाइजेशन. फ्रेरे वर्क विद स्टूडेंट्स इन हिज कल्चरल सर्कल्स एंड चूज अ करिकुलम दैट अलाउड हिम टू हेल्प स्टूडेंट्स बिकम अवेयर ऑफ देयर सोशियो पॉलिटिकल रियलिटीज. ठीक है. Frere began the process by creating the conditions through which his students could realize their own agency. है ना, हमको उनको इतना चेतना उनमें जागृत कर देनी है जिससे वो अपनी स्थिति के बारे में समझ सकें. और देखिए कितनी खास बात, he describes the first step, जो पहला step है concentration का, वो क्या है? Being able to identify, हम ये अंतर करवा पाए अपने छात्रों में what it means to be an object and a subject. मतलब एक थिंग और एक ह्यूमन बीइंग में क्या अंतर है, पहले वो ये समझे. हमको ये समझना पड़ेगा कि ये किस जमाने की बात हो रही है ना, जब लोग दास थे, जब लोग दासत्व से उनको मुक्ति नहीं मिली थी. लेकिन हम इसको इस कंटेक्स्ट में भी समझ सकें. आज भी हम लोग बहुत ज्यादा इस मेंटेलिटी से फ्री नहीं है. यहाँ पे आप ऑप्रेसर और ऑप्रेस्ड को बहुत से रूपों में देख सकते हैं, है ना. एक स्त्री को ऑप्रेस्ड के रूप में देख सकते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि वो कहाँ अपनी दासता से मुक्त हो पाई अभी पूरी तरह से, चाहे आपने उसको सारे अधिकार दे दिए ऑन पेपर. ठीक है. फिर है फ्रीडम. Paulo Freire writes about an instance when he asked his students what the difference. अच्छा यहाँ पे ये freedom वाली बात है कि जब उन्होंने पूछा कि कौन ज्यादा free है, तो student ने कहा कि animals ज्यादा free हैं. क्यों? क्योंकि वो freely घूम सकते हैं. तो the concept of freedom has many connotations. इसके कई अर्थ हो जाएंगे. Freedom may mean being able to move about freely, or it may mean not being enslaved. है ना? For instance, Frere believed that freedom is the right of every human being to become more human. मनुष्य को और अधिक मनुष्य बनाने के लिए हमको उसको स्वतंत्रता देनी होगी, है ना? अच्छा, ये एक और खास बात यहाँ कहते हैं कि Frere writes how the fear of freedom is embodied by the oppressors. मतलब वो कह रहे हैं oppressor को भी freedom का fear है. कैसे? देखिए कितना विरोधाभास, कितना सुंदर इन्होंने लिखा है. For the oppressed, the fear of freedom, जो oppressed है उसके लिए fear of freedom क्या है? Is the fear to assume or own up to their own freedom, है ना. लेकिन oppressor के लिए क्या है? The fear is fear of losing the freedom to oppress. समझ रहे हैं कि उस जो दबा रहा है उसको इस बात का भय है कि कहीं उसकी दूसरे को दबाने की स्वतंत्रता ना छीन ली जाए. तो मतलब बहुत ही गहरा लिखा है इन्होंने. पेडागॉजी ऑफ द ऑप्रेस्ड. देखिए पेडागॉजी ऑफ द ऑप्रेस्ड उनकी सबसे फेमस बुक रही है, और इस बुक के लिए कई वीडियो बन सकते हैं. इसलिए मैंने इसको बहुत शॉर्ट में आपको बताने की कोशिश की है कि पेडागॉजी ऑफ द ऑप्रेस्ड इज पॉलो फ्रेरेस बेस्ट नोन वर्क. ही रोट इट ड्यूरिंग हिज फर्स्ट ईयर्स ऑफ एग्जाइल फ्रॉम ब्राजील एंड पब्लिश्ड इट इन 1968. 1968 में पब्लिश हुई. और आपको पता होना चाहिए कि इतना कुछ इन्होंने इसमें लिखा, इतना जीवंत और इतना ज्वलंतकारी क्रांतिकारी लिखा है कि कई सरकारों ने कई बार इसको बैन करने की कोशिश की है. और ये किताब मेनली चार चैप्टर्स में डिवाइडेड है, और इसकी जो कई मेन थीम्स हैं कि लिबरेशन जो है वो म्यूचुअल प्रोसेस है, बैंकिंग मॉडल ऑफ एजुकेशन, इनकम्प्लीटनेस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, जनरेटिव थीम्स एंड यूज ऑफ कोऑपरेशन एंड यूनिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन टू लिबरेट द ऑप्रेस्ड. इसलिए इसको यहां पर नहीं डिटेल आउट कर रहे हैं. ठीक. अब अगर हम लर्निंग प्रिंसिपल्स के बारे में समझे कि पॉलो फ्रेरे ने हमको क्या सिखाया, कि कैसे सीखना है, तो इनके की प्रोपोजिशंस क्या है? डायलॉग लिबरेट्स. देखिए मोनोलॉग ऑप्रेसेस, जब दो लोग बात करेंगे तो मुक्ति का मार्ग खुलेगा, जब सिर्फ एक आदमी बात करेगा तो वो हमेशा दूसरे को दबाएगा. एक कितनी कितनी भारी भारी बातें उन्होंने लिखी हैं, जिसको अगर हम आज भी अप्लाई कर सकें तो हम एकदम मतलब हमारा कायाकल्प हो सकता है. द बेस्ट वे टू स्टार्ट लर्निंग इज एज पार्ट ऑफ ए डायलॉग रिच ग्रुप. उन्होंने कहा कि लर्निंग का बेस्ट पार्ट क्या है, कि हमारा जो ग्रुप होना चाहिए वो डायलॉग रिच होना चाहिए. और द रिचेस्ट लर्निंग बिगिंस विद एक्शन.
एक्शन, इट्स शेप्ड बाय रिफ्लेक्शन एंड लीड्स टू फर्दर एक्शन। जो सबसे अच्छी सबसे एकदम बढ़िया लर्निंग होती है वो कैसे शुरू होती है, कुछ करने से। कुछ करना है फिर उसके बाद सोचना है कि हमने जो किया वो कैसा किया, फिर करना है, मतलब बार बार करना और बार बार सोचना है, मतलब एक्शन और रिफ्लेक्शन दोनों साथ साथ चलेगा, ठीक है। तो पॉलो फ्रेरे जी ने बहुत 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 एकदम मतलब बढ़िया बातें कही हैं, उनको अगर हम समझ गए तो हम निश्चित रूप से उसको अपने लाइफ में भी इंकल्केट कर सकते हैं। और ये बहुत एक एक टॉपिक बहुत लंबा है समझाने के लिए, लेकिन मैंने इन शॉर्ट आपके लिए उसको कंपाइल करने की कोशिश की, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चल जाओ।